नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक कुछ मसालेदार है, तो वीडियो पूरा जरूर देखें। तो आज फिर से बात करते हैं बॉलीवुड के दुनिया की। जैसे कि आप सभी को पता है 2024 में अब तक आपको बहुत सारे झटके लग चुके होंगे, लेकिन सबसे बड़ा झटका ऐसा लगेगा आपने ये सपने में भी नहीं सोचा होगा। जी हाँ, आपने सही सुना, मैं बात कर रहा हूँ मिर्जापुर के बारे में। मिर्जापुर सीजन 3, इसका इंतजार लोगों को अपने खुद के बर्थडे से भी ज्यादा है। वो हर साल होता है, लेकिन मिर्जापुर 3 साल में एक बार आता है, तो फिर कब आएगा? मुझे पता है इसका जवाब। आप ये जानने के लिए काफी बेताब हो रहे होंगे, लेकिन फाइनली पता लग गया है भाई। जी हाँ, एकदम गर्मा गर्म इनसाइड न्यूज बाहर आई है कि शो के मेकर्स ने फरवरी 2024, सही सुना आपने, इसी महीने के कैलेंडर में कोई भी हो सकता है वह शुभ दिन जब आपके स्क्रीन पर मिर्जापुर सीजन 3 का ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगा। 30 सेकंड का स्पेशल वीडियो भी प्लान किया गया है फैंस को टीज करने के लिए, जिसके बाद शो का ऑफिशियल टीजर भी रिलीज कर दिया जाएगा। 20 फेब के बाद 29 तक किसी भी डेट पे शो का टीजर एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। काफी हाई चांसेस है इस बात के, क्योंकि रिलीज डेट अब ज्यादा दूर नहीं है दोस्तों। सही सुना, मार्च 2024 का लास्ट वीक। फिलहाल सुनने में यह आ रहा है कि मिर्जापुर 3 इसी टाइम के आसपास रिलीज किया जाएगा, और सबसे जरूरी चीजें, सारे के सारे एपिसोड एक ही साथ रिलीज होंगे। आजकल देखा है ना आपने, आधा शो डाल दे फिर 2-3 महीने बाद बाकी आधा आता है, ऐसा कुछ भी फालतू एक्सपेरिमेंट मिर्जापुर 3 के साथ ट्राई नहीं किया जाएगा। मेकर्स को पता है यह शो एक इमोशन है, इसके साथ मजाक बर्दाश्त नहीं होगा। गुड न्यूज, जो भी काम बड़े पर्दे के पीछे होते हैं जिससे शो पूरा होता है, जैसे कि एडिटिंग वगैरह, डबिंग वगैरह, वो सब फिनिश हो चुका है दोस्तों, खत्म। इवन कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी है कि मिर्जापुर 3 का ट्रेलर कट रेडी है, जिसपे मेकर्स के तरफ से सिर्फ हरी झंडी आना बाकी है। बस जैसे साउथ में फिल्म रिलीज के एक हफ्ते 10 दिन पहले ट्रेलर डालते हैं ना, वैसे सेम टू सेम स्ट्रेटजी मिर्जापुर 3 की भी हो सकती है। मतलब ट्रेलर 15 से 20 मार्च के आसपास, चूंकि मिर्जापुर 3 एक बड़े स्केल का प्रोजेक्ट है जिसको वेब सीरीज की दुनिया का किंग बोल सकते हो। अगर थिएटर में रिलीज किया होता तो हजारों करोड़ बच्चों का खेल होता, इसलिए इसका प्रमोशन भी उसी तरीके से प्लान किया जाएगा जो मार्च के फर्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा। फुल स्पीड में रोज कुछ ना कुछ शो का कंटेंट बाहर आएगा। सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन अभी यह है कि फुल कास्ट वापस आ रही है। सीजन में पंकज सर फिर से लीड कैरेक्टर में है, जिनके सामने सबको झुकना पड़ता है। गुड्डू भैया का रिवेंज मोड चालू है, उनको चाहिए फुल इज्जत, नो कॉम्प्रोमाइज। तो गोलू भी अब वॉयलेंस में एंट्री मार चुके हैं। ब्रेन विद ब्यूटी किलर कैमो, लेकिन इस बार सीजन 3 में सबसे इम्पोर्टेंट रोल होगा अपनी माधुरी भाभी का। किसी ने ओमकारा देखी है क्या? उसमें सबसे खतरनाक कैरेक्टर है लंगड़ा टैगी, ठीक वैसे ही माधुरी भाभी को भी चाहिए बदला। लड़ाई होगी कालीन भैया वर्सेस गुड्डू भैया की, लेकिन जीतेंगी अपनी माधुरी भाभी। समझ लीजिए मिर्जापुर की गद्दी का रास्ता इनसे होकर गुजरेगा। टैलेंट की फैक्ट्री विजय वर्मा ने की एक पोस्ट डालकर फैंस को टीच किया है, उनका रोल भी इस बार सीरीज में काफी कलरफुल हो सकता है। खून का लाल रंग वैसे सीक्रेट खबर है, यह भी सीजन 3 के लिए मुन्ना भैया माने देवेंद्र शर्मा ने भी कुछ सीन्स के लिए डबिंग की है। अब ये कितना सच है कितना झूठ है वो तो सीरीज बनाने वाले ही जानते होंगे, लेकिन अगर बाद में दम है तो मिर्जापुर 3 का भूकाल अलग लेवल का होगा, मुन्ना भैया अमर है। अब यह बात ऐसी हवा में तो नहीं बोली गई होगी, लेकिन वापसी कैसे और कहां पे होती है वो मोमेंट बड़ा शॉकिंग होगा यार। वैसे शो को अडल्ट सर्टिफिकेट मिलने वाला है, इसलिए खून खराबे के लिए फुल रेडी रहिएगा। इस बार लातों के भूत बातों से नहीं बंदूक से मानेंगे, इतने साल इंतजार किया अब 2-3 हफ्ते और कर लो, क्या पता आपका रिस्पॉन्स देकर प्राइम वाले चाचा थोड़ा पिघल जाए और इसी हफ्ते अनाउंसमेंट आ जाए। फिर भी अगर आपसे इंतजार नहीं हो रहा है तो मेरा यह वीडियो पूरा देखे, इसमें शॉक मिलेगा जो दिमाग हिला सकता है आपका। आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। कल हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ बॉलीवुड का तड़का लगाने के लिए। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। धन्यवाद।